A very good morning friends, this is Dinesh Kumar and you are watching RNJ Academy. मैं आपके बीच ये एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, ये है टॉप 40 appropriate prepositions. हम टॉप 40 appropriate preposition की बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कैसे preposition का हम best use करते हैं. कुछ preposition ऐसे हैं जिनका हम निश्चित ढंग से एक ही प्रेपोजिशन अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है. ठीक है, तो इसके लिए हम सभी आज इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से कहां कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा. जैसे आइए सबसे पहला देखते हैं अबाइड. एक्चुअली अबाइड मीन्स तो रहना होता है या मानना होता है या फॉलो करना होता है. अबाइड एट अ प्लेस, मोहन अबाइड्स एट चोरी चौरा, मोहन अबाइड्स एट गोरखपुर. अबाइड के बाद एट लगेगा अगर उसके बाद प्लेस है तो. अबाइड एट अ प्लेस. नेक्स्ट देखिए अबाइड इन हाउस. इंदिरा गांधी अबाइडेड इन आनंद भवन, तो अबाइड इन लगेगा. ठीक है, हाउस लिखा अबाइड इन लगेगा. देखिए अबाइड इन अ हाउस, अबाइड इन अ हाउस. अबाइड बाई डिसीजन. ओके, ऑल द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू अबाइड बाय द न्यू एग्रीकल्चर लॉ. ठीक है, अबाइड बाय डिसीजन, कोई भी डिसीजन लिया जाए, कोई लॉ लिया जाए तो उसके साथ लगता है अबाइड बाय. और अबाइड विथ अ पर्सन. ओ, एवरी सन अबाइड्स विथ हिज फादर, हर एक बेटा अपने पिता का वो बात मानता है, फॉलो करता है, तो हो जाएगा एवरी सन abides with his father, हर एक पुत्र अपने पिता की बात मानता है. तो इस तरह से हमने देखा कि abide at place, abide in house, abide by decision, abide with a person, ये होगा abide with a person. नेक्स्ट देखते हैं angry के साथ, देख लेते हैं कि क्या क्या लगता है. angry at something, अगर किसी वस्तु से है ना नाराज है किसी पॉइंट पे, तो कहते हैं He was angry at all the household furnitures. Angry at. ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति से नाराज है तो angry with होगा. Angry with person. Like I was angry with my father. है ना? I was angry with my brother. मैं अपने भाई से नाराज था. Angry with a person लग गया. ठीक है, और आगे देखिए angry for action. Action के लिए angry for लगेगा. Angry for लगेगा अगर action की बात की जाए. जैसे I was angry for the making school closed on the next day. अगले दिन स्कूल बंद था, उस एक्शन से मैं नाराज था. तो angry for the action. Angry for closing the school next day. Angry for. तो इस तरह से हमने angry का देखा, angry at thing, angry with a person, angry for some decision or action. ठीक है, आइए एक और देखते हैं arrive का. Arrive means पहुंचना होता है. Arrive के साथ क्या लगता है? Arrive at a place. अगर किसी जगह की बात हो तो arrive के बाद at लगता है. जैसे I arrived at Varanasi on Monday. है ना? या कह सकते हैं He arrives at Gorakhpur today. He arrives at Gorakhpur today. Arrives at place के लिए. Arrive in country. Oh, that person is arriving in India today. Arriving in India. Arrive in के बाद country लगेगा. अब देखिए arrive के बाद at और एक जगह का नाम particular, और arrive in के बाद एक country का नाम. ठीक है, तो ये चीज बहुत clear होगा मुझे लगता है. अगला देखिए alight on ground. Oh, the person alighted on the ground. Ground से पहले alight के बाद on लगता है. Alight on ground. Alight means उतरना होता है, जैसे train से उतरना, airplane से उतरना. Alight in. Alight at a place. He alighted at Gorakhpur. At a place. He alighted at Lucknow from the train. तो इस तरह से alight के बाद on लगता है ground से पहले, alight के बाद at लगता है place से पहले. आगे देखिए appeal का देख लेते हैं. Appeal मतलब होता है प्रार्थना करना या फिर appeal दायर करना, कह सकते हैं प्रार्थना पत्र देना. तो appeal to person, किसी व्यक्ति से करेंगे तो अपील के बाद टू लगेगा. जैसे ऑल द बॉयज अपील टू प्रिंसिपल रिगार्डिंग द वैकेंट क्लासेस. ठीक है, अपील टू अ पर्सन. और अपील अगेंस्ट डिसीजन, लाइक
ऑल द इंप्लॉइज अपील्ड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ कैजुअल लीव. तो अपील अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ कैजुअल लीव, कैजुअल लीव की को घटाने को लेकर के सभी कर्मचारियों ने अपील किया, उसके खिलाफ अपील किया, अपील अगेंस्ट. ठीक है, तो अपील के बाद टू लगता है अगर उसके बाद एक पर्सन है, और अपील के बाद अगेंस्ट लगता है किसी डिसीजन या एक्शन के. ठीक है, मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा. अगला देखते हैं एम्यूज. एम्यूज पर भी देख लेते हैं, किसी वस्तु से खुश हैं आप. एम्यूज मींस होता है प्रसन्न होना, खुश होना. एम्यूज एट समथिंग, ही वॉज अम्यूज एट इवनिंग, है ना. ही वॉज अम्यूज एट द म्यूजिक. अम्यूज एट लगता है किसी वस्तु के लिए, और अम्यूज विद एन एक्शन. आई वॉज अम्यूज विथ द स्कूल हॉलीडे, एक्शन लिया गया, तो एक्शन के लिए विथ लगेगा. अम्यूज एट समथिंग, अम्यूज विथ सम एक्शन, ये भी क्लियर हो गया. अब देखते हैं, अब देखिए आस्क आ गया, 16 नंबर देखते हैं. आस्क के बाद क्या लगेगा, आस्क के बाद फॉर लगेगा अगर उसके बाद कोई वस्तु की हो. ही आस्क्ड फॉर द बाइक फ्रॉम मी, उसने मुझसे बाइक मांगा, तो ही आस्क्ड फॉर अ बाइक, उसने एक बाइक की डिमांड की. आस्क फॉर अ बाइक, तो देख लीजिए आस्क फॉर लगा. अगला है आस्क फ्रॉम, जैसे ही आस्क्ड फॉर अ बाइक फ्रॉम हिज फादर. देखिए आस्क फ्रॉम हिज फादर, ही आस्क्ड फ्रॉम हिज फादर, तो आस्क के बाद फ्रॉम लगेगा. ठीक है, अगला देखिए एफिलिएटेड. अगर हम एफिलिएटेड की बात करें, एफिलिएटेड क्या होता है, एफिलिएटेड एक हम कह सकते हैं कि संस्तुति लेना या परमिशन लेना. अब देखिए एफिलिएटेड के बाद टू लगेगा अगर बोर्ड लगाया जाए. सो दिस स्कूल इज एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, दिस स्कूल इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, एफिलिएटेड टू बोर्ड, एफिलिएटेड टू बोर्ड, इतना ठीक है. लेकिन अगर पार्टी की बात की जाए, एफिलिएटेड विथ पार्टी, यस, दिस इनॉग्रेशन इज एफिलिएटेड विथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, किसी पार्टी की बात करें, है ना, तो एफिलिएटेड विथ लग जाएगा. ठीक है, इसलिए हमने ये भी देख लिया कि एफिलिएटेड के बाद टू होगा अगर बोर्ड है, एफिलिएटेड के बाद विथ होगा अगर पार्टी है. ठीक है, और क्वेश्चन इसी बनते हैं, आपके सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, आपको तैयार करके इसको और एग्जाम देना है. अगला देखिए अनॉयड एट समथिंग, किसी चीज से नाराज हैं, तो अनॉयड एट थिंग, जैसे ही वॉज अनॉयड एट द बाइक, ही वॉज अनॉयड एट द बिहेवियर, ही वॉज अनॉयड एट द बिहेवियर, और अनॉयड विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो annoyed with लगेगा. जैसे राम वॉज annoyed with मोहन, आई वॉज annoyed with माई ब्रदर, तो annoyed के बाद at something और annoyed with a person. चलिए एंटीपैथी क्या होता है, एंटीपैथी मीन्स होता है घृणा या गुस्सा, है ना, नाराजगी. एंटीपैथी टू अ थिंग, आई हैव एंटीपैथी टू वाइन, ही हैज एंटीपैथी टू ड्रग्स, उसे ड्रग्स से एंटीपैथी है, घृणा है, तो एंटीपैथी टू समथिंग, ये क्लियर है. एंटीपैथी के बाद टू लगेगा, और यहां देखिए एंटीपैथी अगेंस्ट अ पर्सन, यस, किसी व्यक्ति से अगर घृणा है तो एंटीपैथी के बाद अगेंस्ट लगेगा. बहुत साधारण है ये, लेकिन इसमें गलती करके आते लोग एग्जाम में गलत होता है ना. आई हैव एंटीपैथी विद द पीपल हु बोस्ट, मुझे उन लोगों से, आई हैव एंटीपैथी अगेंस्ट द पीपल हु बोस्ट, जो बहसते हैं उनके प्रति मेरे मन में घृणा होती है. एंटीपैथी अगेंस्ट द बोस्टफुल पीपल. ठीक है, अगला देखिए आंसर टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति को आंसर दे रहे हैं तो आंसर टू, है ना, आंसर टू मी, आंसर टू प्रिंसिपल, ही हैड टू आंसर टू प्रिंसिपल, आंसर टू अ पर्सन. और देखिए आंसर फॉर एक्शन, और किसी कोई एक्शन लिया है तो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो आंसर फॉर लगता है, है ना. द प्रिंसिपल हैड टू आंसर फॉर द क्लोजिंग द स्कूल ऑन मंडे, मंडे को स्कूल बंद किए तो प्रिंसिपल को जवाब देना पड़ा कि क्यों. आंसर फॉर क्लोजिंग द एक्शन, क्लोजिंग द स्कूल, द प्रिंसिपल हैड टू आंसर फॉर द क्लोजिंग द स्कूल ऑन मंडे. चलिए कुछ और है देख लेते हैं.
आर्म अगेंस्ट डेंजर, आर्म विथ वेपन। अब देखिए आर्म के साथ क्या लगेगा, आर्म में तो होता है सज्जित होना या हथियार बंद होना, है ना, लेकिन उसके साथ आर्म के साथ अगर कोई डेंजर है तो अगेंस्ट लगेगा, और आर्म के साथ कोई वेपन है तो विथ लगेगा, वेपन के साथ विथ लगेगा, है ना। लाइक ऑल द पीपल वो आर्म्ड अगेंस्ट कोविड 19, है ना, हर कोई कोविड 19 के खिलाफ एकदम हथियार बंद था, मतलब बचने की कोशिश कर रहा था, मास्क लगा रहा था, तो आर्म्ड अगेंस्ट डेंजर, पीपल वो आर्म्ड अगेंस्ट कोविड 19। अगला देखिए आर्म्ड विथ वेपन, एंड द पीपल वो आर्म्ड विथ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से वो आर्म्ड थे, मतलब वेपन था उनके पास, वैक्सीनेशन था, तो आर्म्ड विथ वेपन, ये हो गया। अगला देखिए अटोन टू पर्सन, अटोन टू अ पर्सन, अटोन टू सम एक्शन, अटोन मीन्स टू कन्विंस, तो इस तरह से किसी व्यक्ति को करना है अटोन टू अ पर्सन, और किसी एक्शन के लिए करना है अटोन फॉर एक्शन। आगे देखिए अवार्ड के बाद क्या होता है, अवार्ड के बाद अगर कोई एक्शन किया है, कोई एक्शन लिया है, तो अवार्ड फॉर लगेगा, अवार्ड फॉर सम एक्शन एंड अवार्डेड टू अ पर्सन, अगर व्यक्ति क्या आए तो अवार्डेड टू लगेगा, ठीक है। कह सकते हैं कि पद्मश्री वॉज अवार्डेड टू द ग्रेट पोएट, पद्मश्री वॉज अवार्डेड टू अ ग्रेट पोएट, अवार्डेड टू अ ग्रेट पोएट, एंड देर वॉज गिवन अवार्ड फॉर राइटिंग अ पोएम, अवार्ड फॉर राइटिंग अ पोएम, राइटिंग अ पोएम एक एक्शन है तो उसके साथ फॉर लगेगा। आगे देखिए एंटीडॉट, अब देखिए एंटीडॉट क्या होता है, एंटीडॉट जो है वो होता है, कह सकते हैं कि किसी रोग का मतलब प्रति, उसका प्रति तैयार करना, उसका नेगेटिव तैयार करना, है ना, तो एंटीडॉट टू मेडिसिन, मेडिसिन के लिए उसके असर को मार दे, उसके लिए एंटीडॉट लगता है, एंटीडॉट के बाद टू अ मेडिसिन होगा, है ना, एंटीडॉट टू मेडिसिन, ठीक। और अब देखिए एंटीडॉट अगेंस्ट इंफेक्शन, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इंफेक्शन हो गया है, अब वो सेंटेंस में लिख रहे हैं हम, तो दिस इज एन एंटीडॉट अगेंस्ट द इंफेक्शन, है ना, कैसे था, टिटबैग इज एन एंटीडॉट टू इंफेक्शन, टिटबैग लगाना इंफेक्शन के खिलाफ एंटीडॉट है, शरीर में अगेंस्ट एंटीडॉट पैदा करता है, तो एंटीडॉट के बाद टू मेडिसिन लगेगा, एंटीडॉट के बाद अगेंस्ट इंफेक्शन लगेगा, ठीक है, ये भी आपका क्लियर होगा। आगे देखते हैं आर्ग्यू अगेंस्ट टॉपिक, किसी टॉपिक के ऊपर, जैसे मान ली डिबेट हो रहा है ना, सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर्ग्यूज्ड अगेंस्ट द टॉपिक, टॉपिक के अगेंस्ट आर्ग्यू किया, बहस किया, तर्क दिया, तो आर्ग्यू के बाद अगेंस्ट लगता है टॉपिक, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से कर रहे हैं उसके बाद नाम दिया हुआ है तो आर्ग्यू विथ हो जाएगा। कहते ना डोंट आर्ग्यू विथ मी, डोंट आर्ग्यू विथ योर फादर, अपने फादर के साथ आर्ग्यू मत करो, बहस ना करो, तो आर्ग्यू के बाद विथ अ पर्सन होगा, आर्ग्यू फॉर द टॉपिक, अगेंस्ट द टॉपिक, आर्ग्यू अगेंस्ट द टॉपिक, ठीक है। आगे देखते हैं अग्री, अग्री के चार पॉइंट हैं, बहुत ही शानदार है, देख लीजिए, अग्री इन ओपिनियन, यस आई अग्री इन योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन से सहमत हूं, तो अगर ओपिनियन आ जाए तो अग्री के बाद इन लगेगा, ठीक है, अग्री के बाद इन लगेगा, लेकिन अग्री टू योर प्रपोजल, लेकिन मैं अगर उसके बाद प्रपोजल आ जाए तो कहूं कि आई अग्री टू योर प्रपोजल, उसके बाद टू लगेगा, अग्री टू अ प्रपोजल, अग्री इन ओपिनियन। अगला देखिए अग्री विथ अ पर्सन, आई अग्री विथ माई फादर ऑन एवरी ओपिनियन, हर ओपिनियन पर मैं अपने फादर से अग्री करता हूं, है ना, डू यू अग्री विथ मी, क्या आप उसे अग्री करते हैं, तो अग्री विथ अ पर्सन हो गया। और लास्ट है अग्री ऑन सब्जेक्ट, वी अग्री ऑन द वीकेंड हॉलीडे, अग्री ऑन द सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पे अग्री करना। तो इस तरह से हमने टॉप अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टॉपिक देखा, मुझे लगता है कि मेरा ये प्रयास आपके लिए अगर कारगर साबित होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आरएनजे का सपोर्ट करिए, हम आपके बीच अगला वीडियो लेके फिर से आएंगे, थैंक यू एंड जय हिंद।